नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी एकादशी विधि विधान से मनाई जाती है। इस बार पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार यानी कि आज रखा जा रहा है। पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि ये अधिक मास में पड़ रही है और अधिक मास पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। दृक् पंचांग के मुताबिक एकादशी तिथि 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू होकर 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर समाप्त हो रही है। वहीं पारण के समय की बात करें तो 30 जुलाई को सुबह 5:41 पर ये शुरू होगा और 8:23 पर ये समाप्त हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत पारण करने की विधि क्या है। एकादशी के व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद होता है। द्वादशी पर प्रातः काल स्नान आदि करें, इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कर क्षमा याचना करें। व्रत पारण से पहले ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं उन्हें किसी मंदिर में जाकर दान आदि करना चाहिए। इसके बाद ही अन्न खाकर अपना व्रत पारण करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।